झारखंड में जेडीयू सियासी जमीन तलाशने में जुट गया है। रांची में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में गौतम सागर राणा ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में जदयू विधायकों की संख्या 8 थी, लेकिन वक्त के साथ जदयू मजबूत होने की बजाय कमजोर होता चला गया और आज की तारीख में जदयू का एक भी विधायक झारखंड विधानसभा में नहीं है। पार्टी को यह पीड़ा हर वक्त सताती रहती है, लिहाजा नीतीश कुमार ने झारखंड जदयू का कमान खीरू महतो के हाथों में दिया है और उन्हें राज्यसभा में भी भेजा है। और अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को नए सिरे से झारखंड में खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी तभी नीतीश कुमार भी मजबूत होंगे। सब लोग झारखंड में सशक्त होने का काम करिए, अभियान चलाइए, अपने मन के अंदर भाव पैदा करिए कि हमको जनता दल यूनाइटेड को यहाँ मजबूत करना है, जनता दल यूनाइटेड को हमको यहाँ ताकि पार्टी पूरे देश में जनता दल यूनाइटेड बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी का आलम है, देश में महंगाई 70 साल में जितना नहीं बढ़। पार्टी को मजबूत करने की कवायद के तहत आज ललन सिंह की मौजूदगी में लोकतांत्रिक राजद के नेता रहे गौतम सागर राणा ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा कि उनका एक इकलौता मिशन यही है कि वो जदयू को हर घर की पार्टी बनाए। उन्होंने कहा कि वो एक कार्यकर्ता बनकर जदयू में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है, उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। हम ये चाहते हैं कि झारखंड राज्य आगे बढ़े और मेरी भूमिका इसमें रहे और इसके लिए पहले भी हम 208 प्रखंड में गए हैं, जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, और इस बार हम पूरे सूबे में घूमेंगे। हम अपने आप को सार्थक समझते हैं। एक साल जो मैंने मेहनत किया उसका आज है सो सफल हुआ कार्यक्रम, और इससे भी अधिक सफल हम एक बड़ी ग्राउंड में है सो कार्यक्रम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तब हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे कि आज भूतो न भोज हमने करके दिखाया। फिलहाल जदयू अपने संगठन का विस्तार किस हद तक कर पाती है यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है कि वो भी जल्द ही झारखंड का दौरा करेंगे, मतलब जदयू अब ऑफ नहीं ऑन पोजीशन में रहेगी। झारखंड की राजनीति बहुत हद तक बिहार से प्रभावित होती है, लिहाजा जदयू के नेताओं को लगता है कि यदि झारखंड में थोड़ी मेहनत की जाए तो पार्टी मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगी। वैसे भी झारखंड जदयू में किंग मेकर बनने की छटपटाहट साफ देखी जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने जदयू के कार्यकर्ताओं को एक नई संजीवनी बूटी जरूर मिली होगी। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।